यहाँ पर एक फोटो का अगर आप चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हो तो 800 से 900 रुपए यानी कि 10 से 12 डॉलर मिल जाते हैं आपको। 25% मिनिमम कमीशन मिलता है फोटो सेल का अपनी। तो अगर कोई 10,000 में फोटो भी किया तो आपको 2,500 मिलेंगे, 1,000 में भी किया आपको 250 रुपये मिलेंगे, ये इसका सिस्टम होता है। दोस्तों फोटो क्लिक करने की सबकी आदत होती है, जब भी हम कहीं ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छी पिक्चर्स आएंगी, हम अपनी पिक्चर भी क्लिक करते हैं और उस क्लाइमेट उस जगह की भी पिक्चर क्लिक करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सिंपल एक एप्लीकेशन पर जिसके 5 मिलियन डाउनलोडर हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, वहाँ पर आप फोटोज़ अपलोड करके अर्न कर सकते हो, और ना ही केवल अपनी फोटोज़, कोई भी फोटो हो सकती है, अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। और वहाँ पर दोस्तों सेल फोटो होने के बाद आपकी अर्निंग होती ही है, उसके अलावा वहाँ पर चैलेंजेस भी मिलते हैं। जैसे आपको जिम का चैलेंज है कि जिम की फोटोज़ आप अपलोड करिए, अगर आपकी फ़ोटो बेस्ट सेलेक्ट होती है तो वहाँ पर आपको $10 का प्राइस मिलता है, लगभग 800 रुपये जो इंस्टेंटली एक फ़ोटो पर मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं उस ऐप से। अगर आप भी चाहते हो कमाना तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। काम सिर्फ सिंपल सा है, 3 स्टेप में आपकी अर्निंग बन सकती है। नंबर 1, ऐप को इंस्टॉल करके साइन अप करना है। नंबर 2, फोटोज़ क्लिक करनी है, एंड नंबर 3, फोटोज़ को अपलोड करना है। बस उसके बाद बस आप इंतज़ार करेंगे कि वो सेल होती है, देन आपकी अर्निंग। अब आप ये भी कहेंगे कि यहाँ पे हमें पैसा क्यों देती है एप्लीकेशन। आपको पता होगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एडवर्टाइजिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए होती हैं वीडियोज़ और फोटोज़। और वीडियोज़ की तो आप बताइए कि बहुत सारी साइट्स पहले से ही है। फोटोज़ भी चाहिए होती है जब इस तरह के ऐड कैंपेन बनाते हैं, जैसे कोई पोस्टर ऐड हो गया, फ्लैक्स ऐड हो गया, या कोई पोस्ट वगैरह बनानी है इस तरह के लिए, तो जो पोस्ट चाहिए होती हैं उसके लिए पिक्चर चाहिए होती हैं। अगर हम किसी की भी पिक्चर गूगल से उठाएंगे तो उस पर आ जाता है कॉपीराइट क्लेम, या वहाँ पर आपका स्ट्राइक वगैरह जो भी आता है सब बन जाता है, मतलब कोई ना कोई अपना यहाँ पर अधिकार बता सकता है। तो इस तरह पे साइट पे होता क्या है, फोप पर जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप जैसे ही यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हो, आप अपनी फ़ोटो का राइट उन्हें दे देते हो, फिर वो एप्लीकेशन अपना लोगो लगा देता है फ़ोटोज़ पर, फिर जो भी इस फोटो को ख़रीदता है उसके पास राइट चला जाता है, वो उनका यूज़ कर सकता है। एक तरह से आप जितनी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर पाओगे उतना अच्छा आप अर्न कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस एप्लीकेशन पर। मैं जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है दोस्तों फोप। देख सकते हैं 5 मिलियन इसके डाउनलोडर हैं, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब अगर आप ये कहेंगे कि सर लोग कैसे यहाँ से परचेज करते होंगे, तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जो फोटोज़ परचेज करती हैं वो फोप ऐप से नहीं, फोप वेबसाइट से करती हैं। ये है वो वेबसाइट और ये इनके कस्टमर की डिटेल्स है सारी। नीचे देखोगे तो आप निविया कंपनी से लेकर वोल्वो जिनकी गाड़ी आती हैं, उसके अलावा यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो इनके पार्टनर्स हैं, इनके जो यहाँ पर आकर फ़ोटोज़ वगैरह कलेक्ट करती हैं सिंपल 3 स्टेप में, वो भी काम करते हैं। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है ऐप से कैसे काम करना है, कैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो आपको करना सिर्फ सिंपल सा है, सबसे पहले आपको जाना है, ठीक है, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ आ रहा है, पर सेल पर कितना मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पर जाना है, एक अपना यूज़र नेम रख देना है, यूज़र नेम के बाद अपना ईमेल आईडी कोई भी आप चुन सकते हैं, और एक अपना पासवर्ड, ये आपके ऊपर है, और आप क्रिएट अकाउंट पर जस्ट क्लिक करेंगे। गाइस इतना सिंपल टू यूज़ है, इसमें कोई सिक्स सेंस या कोई आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझा रखी हैं, जैसे किस तरह की फ़ोटोज़ होनी चाहिए, किसी की कॉपी पेस्ट फोटोज ना हो, पता लगा आप गूगल से उठाकर ही अपलोड कर रहे हो वो ना हो, तो ये ध्यान से पढ़ लेना सारी चीज़ें, उसके बाद आप स्किप कर सकते हो या डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हो। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ ऑलरेडी बहुत सारे यूज़र्स जो यहाँ पे कमा रहे हैं। देखो जैसे मैं एक यूज़र्स का अकाउंट यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह की फ़ोटोज़ वो अपलोड कर दे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस एप्लीकेशन पे ना ही अपनी फ़ोटो छोड़ो, यहाँ पे आप मतलब जैसे बादलों की फ़ोटो ही डाल सकते हो सारी चीज़ें। देखो इस बंदे ने सारी क्लाइमेट और क्लाउड, ये देखो किस तरह की फ़ोटोज़ डाली हुई हैं। एक लोकेशन पर गए, वहाँ की सारी फ़ोटोज़ कलेक्ट करी, अच्छी अच्छी वो अपलोड करी, अभी ये देखिए क्या बात है दोस्तों, और ये बस फ़ोटो अपलोड करी, तो ये इनका सिस्टम रहा। अब पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसमें दो चीज़ ध्यान रखना।
नंबर एक फोटोज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, नंबर दो उसकी क्वालिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, यानी कि HD क्वालिटी में होनी चाहिए। पहले जैसे आपके पास अगर हल्का सा कोई फ़ोन है आप उससे फ़ोटोज़ क्लिक कर दोगे तो नहीं चलेगा। फ़ोटो HD क्वालिटी में हो, चाहे आप फ़ोन से क्लिक करो चाहे आप अपने कैमरे से क्लिक करो। ज़रूरी नहीं आपके पास DSLR हो, आजकल फ़ोन में भी DSLR वाली फ़ोटोज़ खींच जाती हैं, तो आप अच्छे से खींच सकते हैं। आपको जो भी लगे कि छोटे बच्चे की फ़ोटो है, बच्चा रो रहा है हंस रहा है, गार्डन की फ़ोटो है, रोड की फ़ोटो है, पहाड़ों की फ़ोटो है ना, बादलों की फ़ोटो है, आसमान हो गया, फूल हो गया, कुछ भी यार, मतलब है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड है उसकी फ़ोटो होगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए कोई भी फ़ोटो की नीड हो जाती है और वो एकदम सर्च करते हैं। अगर आपकी फ़ोटो अच्छे से यूज़ हो गई, और उसमें एक चीज़ का बहुत बड़ा रोल है वो है टैग। तो अब सिखाता हूँ आपको कैसे यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, कैसे ऐप काम करता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए साइनअप प्रोसेस आपके सामने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको समझा, जैसे आप होम वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आप कुछ ऑलरेडी यूज़र्स को देख सकते हो वो किस तरह की फ़ोटोज़ यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन अमेरिका का है तो अमेरिकन से आपको यहाँ ज़्यादा मिलेंगे। इंडिया में अभी लोग इसके बारे में कम जानते हैं, लेकिन हाँ जितने लोग जानते हैं वो कमाते हैं इससे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जब एक बार वायरल हो जाती है कोई चीज़ तो फिर सब उस पर लग जाते हैं। अभी ये वायरल नहीं है तो आप इस पर काम करिए। उसके बाद यहाँ पे देखो फॉलोइंग, जिसे आपने फॉलो किया है, और ये आपका अकाउंट आ गया मी वाले ऑप्शन पे। एक्सप्लोर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको वो फ़ोटोज़ दिखेंगी जो सोल्ड हो चुकी हैं, और जिस पर देखिए एक गर्ल की फ़ोटो है ये सोल्ड हो चुकी है, देख सकते हो तो कितनी सिंपल फ़ोटो है। यहाँ पे देखो कुछ अलग से हट के फ़ोटो है और ये भी सोल्ड हो चुकी है, ये सारी फ़ोटोज़ है जो सोल्ड हो चुकी है। ये फ़ोटो होने के बाद उसको एडिट किया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। और देखो हर फोटो के साथ नीचे जो फोप है उसका लोगो यहाँ पर वाटरमार्क की तरह आ जाएगा, जिससे कि कोई भी फ़ोटो को ऐसे डाउनलोड करके यूज़ नहीं कर सकता बिना खरीदे, वरना कॉपीराइट चला जाएगा। तो आपकी फ़ोटो अपलोड होने के बाद वो फोप की बन जाती है, ठीक है, जब भी वो सेल होगी आपको उसका पैसा मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी सारी फ़ोटोज़ हैं, और ये अलग अलग क्राइटेरिया की हैं। ये देखो सिंपल एक पौधे की फ़ोटो डाली हुई है और ये सोल्ड हो चुकी है, देखो प्लांट सीरीज वगैरह दिख रही है। रिसेंट में जो अपलोड हुई है ये सारी फ़ोटोज़ हैं, आप इनसे आइडिया ले सकते हैं किस तरह की फ़ोटो मैं क्लिक करूं। अगर आपको फ़ोटो का शौक है ना फ़ोटोज़ क्लिक करने का, मैं सही बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और आज कुछ और प्लेटफॉर्म भी मैं बताऊंगा जो इसके अलावा आप जहाँ पर अपलोड कर सकते हो, मतलब एक फ़ोटो को आप चार प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हो, जब भी वो सेल होगी वहाँ से आपको पैसा मिलता है। चलिए अब चलते हैं कि अपलोड कैसे करनी है। तो उसके लिए आपके पास कुछ HD क्वालिटी की पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास कुछ पिक्चर हैं तो मैं एक्सप्लोर पे जाता हूँ, ये मिशन है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चैलेंजेस। जैसे यहाँ पर एक मिशन मिल रहा है, $150 का प्राइज़ है, 6 दिन बचे हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना और उस हिसाब से यूज़ करना है। नीचे देख सकते हो जैसे ये जिम वाला है, बेसबॉल वाला है ना, यहाँ पर आपको रेन वाला सिटी वाइब्स की जो बारिश हो रही है सिटी में उसमें किस तरह की फ़ोटोज़ आप डाल सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रखी है, तो ये आप अपलोड कर सकते हो, पूरा यहाँ पर समझा रखा है। तो इस वाले ऑप्शन में जाकर आप जिसे आप ज्वाइन कर लोगे वो आपके ज्वाइन में आ जाएगा। और जो विनर्स हैं वो ये देखो, जैसे इनको $10 मिले, इनकी फ़ोटो सेलेक्ट हुई, इनको $10 मिले, तो इस तरह से यहाँ पर आपकी अर्निंग होती है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गई, चैलेंजेस आप कर सकते हो, तो जो भी यहाँ पर फ़ोटोज़ कोई ख़रीदता है तो आपको पैसे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अपलोड कैसे करनी है, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप यहाँ से, ठीक है, अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे मी वाले ऑप्शन में जाके आप प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ से अपनी कोई भी फ़ोटो कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर समझिए मैंने स्माइल वाली फ़ोटो सेलेक्ट करी, या मैं ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ सैड फेस वाली, और मैं लिख देता हूँ अ मैन या इंडियन मैन विद सैड फेस, ठीक है, या विद सैडनेस, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे टैग मांग रहा है तो ऐड टैग पे जाओगे, यहाँ पे आप टैग ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। जितने ज़्यादा टैग लगाओगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपकी फ़ोटो को सेल होने के, क्योंकि जब कोई फोप पे आके सर्च करेगा तो जैसे यूट्यूब पे टैग से वीडियो वायरल होती है ऐसे यहाँ भी टैग से आती है। यहाँ पर आप इंडियन लिख सकते हो, मैन लिख सकते हो, बॉय लिख सकते हो, ठीक है, सैड बॉय लिख सकते हो, ठीक है, सैड फेस लिख सकते हो, जैसे मैंने दोनों डाली हुई हैं, स्माइल की भी डाली हुई है। ये होने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, ये पूछ रहा है कि आप हो इस फ़ोटो में, फिर ये परमिशन भी लेगा आपसे कि क्या आप चाहते हो अपनी फ़ोटो को कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर ले। आप अगर अलाउ करोगे तो ही ठीक होगा, जैसे देखो मैंने किया, ये नीचे पूछ रहा है क्या कोई कमर्शियल यूज़ कर सकता है इसका, मैंने कहा नो,
फिर मैंने इसको भी नो कर दिया और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये देखो पब्लिश हो चुकी है। तो दोस्तों ये सीन होता है, कभी आप अपनी फ़ोटो नहीं चाहते या किसी फैमिली पर्सन की, तो आप यहाँ पे देखो अपलोड हो चुकी है, पहले वाली फ़ोटो मेरी अब वाली अपलोड हो चुकी है। तो ये उनके कंसोल में चली जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी है। कोई चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको डिलीट करने ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, इतना सिंपल सा काम है। उसके बाद चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करो, फोटोज़ अपलोड करके छोड़ दो, और ना ही केवल एक प्लेटफॉर्म पे, चार प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। चूँकि अमेरिका का एप्लीकेशन है तो यहाँ पर अर्निंग भी अमेरिकन रूल से ही होती है, वहाँ पर चलता है पेपाल। कैसे करना है ऐड, यहाँ पर आप देखते हो नहीं, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, कैश आउट सेटिंग पर जाएंगे और अपना पेपाल अकाउंट बना सकते हैं 5 मिनट में। पेपाल अकाउंट कैसे बनता है, जैसे हमारे यहाँ पेटीएम होता है, अमेरिका में होता है पेपाल। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप अपना पेपाल अकाउंट बना सकते हैं। पेपाल अकाउंट बनाने के बाद आपको बस उस माह से एक आईडी मिलेगी जो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो भी आपकी अर्निंग होगी, मिनिमम $5 होते ही, यानी कि 400 रुपये, आप अपना पे आउट लगा सकते हो और इंस्टेंटली आपको सेम डे में या नेक्स्ट डे तक आपके पेमेंट अकाउंट में आ जाती है। ये है इसका सिस्टम दोस्तों। अब बात करते हैं कि एक फ़ोटो को यहाँ पे कितना मिलता है और ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप और फोटोज़ अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर एक फ़ोटो का अगर आप चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हो तो 800 से 900 रुपये यानी कि $10 से $12 मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मेन डिपार्टमेंट होता है कि किस रेंज पे फ़ोटोज़ सेल हुई हैं। अब यहाँ पे फ़ोटोज़ अगर आपकी सपोज़ कोई $20 पे सेल हुई है तो उसका 25 से 30% मिल जाता है। वो रूल जो होता है वो फोप वाले खुद डिसाइड करते हैं। आपको 25% मिनिमम कमीशन मिलता है फ़ोटो सेल का अपनी, तो अगर कोई 10,000 में फ़ोटो बिकी है तो आपको 2,500 मिलेंगे, 1,000 में बिकी है आपको 250 रुपये मिलेंगे। ये इसका सिस्टम होता है। लेकिन याद रहे, अगर आप सेम थीम पर फ़ोटोज़ डालो, जैसे मैं अपने फेस की फ़ोटो डालता रहूँ, या मैं बादलों की फ़ोटो डालता रहूँ, या मैं मार्केट्स की फ़ोटो डालता रहूँ, या मैं गार्डन की फ़ोटो डालता रहूँ, तो वो क्या होता है कि आप वायरल कम होती है। आप मल्टीपल फील्ड्स की फ़ोटो डालो और कम से कम एक एरिया की मल्टीपल फ़ोटोज़ डालो, अच्छे टैग यूज़ करो, एंड आप देखो कंटिन्यू आप कुछ दिन तक काम करोगे, ये फ़ोटोज़ आपकी पड़ी रहेंगी, कभी भी सेल हो सकती है और आपको फ़ायदा होगा। याद रखना फ़ोटो जितनी अच्छी होगी, एक काम और करना मैं आपको बताता हूँ, फ़ोटो शूट करने के बाद, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट अपलोड मत करना, पहले उसे एडिट कर लेना। बहुत सारे एडिटिंग एप्लीकेशन आते हैं फ़ोन में, जैसे लाइटरूम हो गया, फोटोशॉप हो गया, पिक्सल लैब हो गया, उन पर जाकर आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, उसे थोड़ा लाइट वगैरह बढ़ा सकते हो, वो आप सीख लीजिए यूट्यूब से, अच्छी फ़ोटो एडिट हो जाएगी, तो अच्छी चांसेस है। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन और कुछ वेबसाइट्स और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर है, अलामी है, ऐसी और भी हैं, जैसे आपका बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फोटोज़ को सेल कर सकते हो। तो बस एक फ़ोटो क्लिक करो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करो, अच्छे टैग यूज़ करो, सोचो अगर एक फ़ोटो सेल होती है तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहे हैं, लोगों को एडवर्टीजमेंट के लिए फ़ोटोज़ चाहिए, वीडियोज़ चाहिए, और वह स्टॉक कहाँ से लाए, तो वो खरीदते हैं इस तरह की वेबसाइट से। ट्राई ज़रूर से करना, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में किसी नए मेथड, नए ऐप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।